नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं यूपी की आवाज और मैं हूं आपके साथ अंकिता जैन। आइए खबरों का रुख करते हैं विस्तार से। योगी सरकार से न्याय की उम्मीद थी लेकिन इस सरकार से भी न्याय नहीं मिला तो एसएसपी कार्यालय पर महिला अपनी बेटी के साथ ज्वलनशील पदार्थ लेकर पहुंच गई लेकिन फजीहत बचाने के लिए पुलिस अपना बचाव करती नजर आई, बमुश्किल महिला को शांत कराया। थाना जगदीशपुरा की रहने वाली कुष्मा अपनी बेटी अलका को लेकर मंगलवार को एसएसपी कार्यालय कलेक्ट्रेट पहुंची। वह अपने साथ आत्मदाह करने के लिए ज्वलनशील पदार्थ लेकर पहुंची थी। महिला ने आरोप लगाया कि जगदीशपुरा के भू माफिया वीरेश यादव ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया था। वह न्याय पाने के लिए दो सालों से पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रही थी। ये मामला एक्चुअली दो जमीनी विवाद का है। इसमें ये दोनों लोग जो है, इन दोनों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत है और बाकी जो कृत कर हो रहा है उसकी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो माँ अभी पेश हुई है वो लड़की के वो अंगवस्त्र लेके पेश हुई है जिस वक्त वो घटना हुई थी, फटे कपड़ों का वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके ऊपर इसकी हमने सूचना ली है और इसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, बहुत जल्दी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। कुष्मा ने बताया कि वह कपड़ों की तरह राजनीतिक पार्टियां बदलता है, पहले वे सपा में था और अब भाजपा में सरकारी योजनाओं के नाम पर अवैध धन उगाही कर रहा है। उसने महिला और उसकी बेटी का जीना हराम कर रहा है। एक तरफ मोदी सरकार में बेटी बचाओ का नारा देकर बेटी बचाने का देश में जोर शोर से अभियान चलाया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर बेटियां छेड़छाड़ से परेशान होकर आत्मदाह करने को मजबूर हो रही हैं। ऐसा ही मामला आगरा के थाना जगदीशपुरा के बोदला से सामने आया है। एक किशोरी के साथ छेड़छाड़ की गई तो किशोरी ने तंग आकर एसएसपी कार्यालय पर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने समय रहते उसे बचा लिया। आगरा के थाना जगदीशपुरा अंतर्गत बोदला निवासी शबनम काल्पनिक नाम अपनी विकलांग मामा को खाना देने जा रही थी लेकिन रास्ते में उसके साथ छेड़छाड़ की जाती थी। कई बार वह अपनी माँ के साथ शिकायत करने पुलिस के पास गई लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी तो वह अपनी माँ के साथ मिट्टी का तेल लेकर कलेक्ट्रेट पहुँच गई। उसने जैसे ही अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालने की कोशिश की तो मौजूद महिला पुलिस कर्मियों ने उसे बचा लिया। ताजनगरी में चोरी की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही है, चोर भी फिल्मी अंदाज में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही मामला चर्च रोड का सामने आया है। यह चोरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है, इस आधार पर पुलिस ने चोर को तलाशने की कवायदें तेज कर दी है। आगरा थाना हरि पर्वत चर्च रोड स्थित एक मोबाइल शॉप में बीती रात चोरों ने धावा बोल दिया। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे चोर ने सबसे पहले दुकान के बाहर लगे मीटर की लाइट बंद कर दी और मोबाइल टॉर्च के उजाले में चोरी को अंजाम दिया। अरे वो सुबह पता लगी, सुबह 9 बजे लड़का गया, उसने देखा ताले टूटे हुए थे। फिर भतीजा गया, उसने शटर खोल के देखा तो पता लगा कि वो दरवाजा सब खुली हुई थी, सब टूटा हुआ था। तीन ताले टूटे हुए थे, दरवाजा उसका शीशे का ताला भी टूटा हुआ था। दरवाजे में से कुछ नगद वगैरह रुपए रखे थे वो सब ले गया, मोबाइल रखे थे और काफी चीजें थी। दुकान से नकदी और मोबाइल को चुरा ले गया। इससे पूर्व भी आगरा में तमाम चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है। नगरीय मृतकों के परिजनों को सरकार से मिली मदद बहुत कम है, इससे परिवार को कोई राहत नहीं मिलेगी। योगी सरकार को अधिक मदद देनी चाहिए थी जिससे परिजनों को राहत मिल सके, इसके लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। ऐसा कहना है पूर्व काबीना मंत्री शिवपाल यादव का। नगरीय मृतकों के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। बीते दिनों एटा में आगरा के नगरीय गाँव के 14 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई थी जिससे गाँव में मातम छा गया था। मृतकों के परिजनों से मिलने शिवपाल यादव नगरीय पहुँचे, वहाँ उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए परिजनों का दुख दर्द जाना। बहुत बड़ी दुखद घटना है तो सभी जितने भी मौतें हुई हैं वैसे तो मदद बहुत कम हुई है, इसमें तो बहुत बड़ी मदद होना चाहिए, इतने में तो इलाज भी नहीं हो सकता है। और फिर किसी किसी परिवार में तो कुछ भी नहीं बचा है, कोई भी नहीं बचा है, तो बहुत बड़ी मदद की ज़रूरत है और बड़ी मदद की हम मांग करते हैं, मिलेंगे भी, मुख्यमंत्री योगी जी से मिलेंगे भी। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी सरकार से मिलने वाली मदद परिजनों के लिए काफ़ी नहीं है, इस धनराशि से पीड़ित परिवार को तो मरहम भी नहीं मिल सकता है, सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आगरा के थाना छत्ता के कश्मीरी बाजार पर पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन का जिस्म फरोशी का बड़ा खुलासा किया है जिसमें 4 युवतियों को बरामद किया गया है जिसकी बंगाल से आगरा से तस्करी की गई थी। इसके अलावा पुलिस ने जिस्म फरोशी करने वाली 11 युवतियों और 5 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ये ऑपरेशन जारी रहेगा।
आगरा के थाना छत्ता के कश्मीरी बाजार को रेड लाइट एरिया माना जाता है। यहां आए दिन कई तरह की छापेमारी भी हो चुकी है। बंगाल के एक युवती की तस्करी की शिकायत पर आगरा पुलिस ने आईपीएस और सीओ छत्ता के नेतृत्व में एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था, जिसमें 3 युवतियों को भी मुक्त कराया गया। इसके अलावा जिस्म फरोशी के धंधे में लिप्त 11 युवतियों को भी पकड़ा गया और संचालक सहित 5 पुरुषों को भी हिरासत में लिया गया था। इस दौरान एसपी सिटी कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि बंगाल की एक युवती की आगरा रेड लाइट एरिया में तस्करी की गई है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी। इसके आधार पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें तस्करी की गई अन्य 3 युवतियां और मिल गई। आज आगरा पुलिस को सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल से कुछ बच्चियां, जिन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव व्यापार करके अपहरण करके या किसी और तरीके से बेच दिया गया है, और वो वर्तमान में आगरा में कश्मीरी बाजार मोहल्ले में मौजूद हैं उनकी इच्छा के विपरीत। इस सूचना को डेवलप किया गया और शाम को रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। इस ऑपरेशन में हमने उस बच्ची को सकुशल बरामद किया। ऑपरेशन के दौरान 3 और बच्चियां बरामद हुई, जिन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके यहां पर लाया गया था। इस पूरे ऑपरेशन में इस पूरे कार्य की संचालिका समेत 11 और महिलाएं और 5 पुरुष उनको पकड़ा गया हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, हमें और बरामदगी की उम्मीद है। इसके साथ ही जिस्म फरोशी के धंधे में लिप्त 11 युवतियों और संचालक सहित 5 पुरुषों को भी गिरफ्तार किया गया है। एसपी सिटी के मुताबिक इसमें एसएसपी सहित सीओ छत्ता ने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसमें उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसके साथ साथ मानव तस्करी को रोकने के लिए समय समय पर ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन किए जाएंगे।